नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब विवादों से घिरी पूजा खेड़कर ने पुणे कलेक्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यह शिकायत सोमवार 15 जुलाई की देर रात तब दर्ज की गई जब पूजा खेड़कर ने वाशिम पुलिस को अपने सरकारी गेस्ट हाउस में बुलाया। जानकारी के लिए बता दें कि वह पुणे कलेक्ट्रेट हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वशिम कर दिया गया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विवादों में घिरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया और उन्हें 23 जुलाई तक मशहूरी ट्रेनिंग अकादमी में ज्वाइनिंग करने के आदेश दिए। 34 वर्षीय पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी में चुने जाने के लिए फ्रॉड किया है और कई विकलांग सर्टिफिकेट पेश किए हैं। पूजा खेड़कर ने खुद को कथित तौर पर शारीरिक रूप से दिव्यांग और ओबीसी समुदाय का बताया था और विशेष अधिकारों का दुरुपयोग कर रही थी। पूजा खेड़कर को निजी अस्पताल ने 7% का विकलांगता सर्टिफिकेट जारी किया था, जो कि बेंचमार्क से काफ़ी कम है। इसके बावजूद पूजा खेड़कर ने विशेष अधिकारियों का प्रयोग किया। एक अधिकारी द्वारा जानकारी मिलने के अनुसार पूजा खेड़कर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम से वापस बुला लिया गया है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गदरे द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अकादमी ने पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द करने का फैसला लिया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें तत्काल वापस बुला लिया गया है। पत्र में कहा गया, आपको महाराष्ट्र सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त किया जाता है। आपको किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई 2024 से पहले अकादमी में रिपोर्ट करने का आदेश निर्देश दिया जाता है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।